हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं वोटर कार्ड आप कैसे शिफ्टिंग करेंगे, अपना कंस्टिट्यूएंसी असेंबली भी कैसे शिफ्ट करेंगे, अगर कहीं पे रहते हो बहुत दूर, जैसे कि एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, तो यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल में आप कैसे शिफ्ट होंगे, आज मैं कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और वोटर कार्ड का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो आपको परेशानी हो रही है तो आपको मैं सभी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो भी न्यू पोर्टल से अप्लाई करके बताने वाली। तो इस प्रोसेस को आप अपने फोन से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टू लास्ट प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल में चले आना है, इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको क्लिक करते ही आपको 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ये, इस वेबसाइट पर, न्यू वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली चला आएगा। तो मैं आपको इसका लिंक दे दिया हूँ ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपको पहले साइन अप करना है, क्योंकि आपका आईडी नहीं है वहां पे, तो आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद फिर से आपको कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। इतना इजी मैथड है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको इसको सेव भी करके रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। एंटर करते ही यहाँ पे देखिए वेरीफाई एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा, तो लॉगिन के टाइम आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है जो आपने वहाँ पे स्टार्टिंग में दिया था, उसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है। उस एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर चला आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर चला आएगा, तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुकी हूँ अभी मैं पोर्टल आईडी के पोर्टल पर। तो अभी आपको शिफ्टिंग का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फॉर्म 8 है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर चला आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ और अदर इलेक्टोर, तो आपको यहाँ पे अदर पर ही क्लिक करना है, क्योंकि सेल्फ पर क्लिक नहीं होगा, तो यहाँ पे अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईपिक नंबर एंटर कर देना है, जिसका आप शिफ्ट करना चाहते हो उसका यहाँ पे ईपिक नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का यहाँ पे आपका डिटेल्स शो होके चला आएगा, तो यही आपका डिटेल्स है, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन फिर से शो होगा, तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर सीरियल नंबर सब यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग रेसिडेंट, यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन है, विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर आप बाहर से यहाँ पे आना चाहते हो तो आउटसाइड लगाइए, अगर आप यहीं से थोड़ा और दूर रहना चाहते हो, जैसे कि 10 किलो 5 किलोमीटर, तो आप विदिन में रखिएगा। अगर आप बाहर स्टेट से यहाँ पे आना चाहते हो जैसे कि, तो यहाँ पे आपको आउटसाइड वाला में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, फॉर्म 8। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, मैं यहाँ पे इंग्लिश को ही रखूंगी। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैच हो जाएगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ पे ईपिक नंबर भी ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आधार नंबर यहाँ पे दे देना अच्छा रहेगा, यहाँ पे आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो उस पर भी टिक कर देना है।
मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल पर क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा। अगर आप वो सेम लॉगिन वाला एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ओटीपी नहीं जाएगा। अगर आप डिफरेंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा उस डिफरेंट नंबर पर, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा उस ओटीपी को डाल के। अभी सेम नंबर को यहाँ पे एंटर कर रही हूँ इसीलिए वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं लिया, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग रेसिडेंस का यहाँ पे एड्रेस डालना है, जो अभी यहाँ पे जहाँ पे अभी आप शिफ्ट होना चाहते हैं वहीं का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। तो इसके लिए आपका वोटर कार्ड शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड में है और इलेक्ट्रिक बिल है तो बहुत अच्छा, वो दोनों होने से आपका इजीली एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करती हूँ, एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देती हूँ फटाफट से। स्ट्रेट एरिया लोकेलिटी, उसके बाद टाउन एंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर चला आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में मतलब कुछ मिस्टेक है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे तहसील यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके चला आएगा, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स का बारी है, डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, करेंट पासबुक बैंक पासबुक भी दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ऑनरिंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग किसान भाई दे सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और रजिस्टर रेंट लीज जो है डीड है आपके पास तो वो भी दे सकते हैं, रजिस्टर सेल डीड वो भी आप दे सकते हैं, और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो आपको एनी अदर पर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपके पास इन इन सभी छोड़ के अलावा और दूसरा डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ तो एनी अदर्स पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे आधार कार्ड पर सेलेक्ट करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है 2 MB के अंदर, JPG PNG PDF किसी एक फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, तीनों फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, 2 MB के अंदर होना चाहिए। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी कर लिया है, तो मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट रेडी है यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिशन डेट, आपको यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आएगा, तो यहाँ पे प्लेस आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद सबमिशन यहाँ पे शो होगा। तो आपका यहाँ पे सब नाम वगैरह सब यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे फाइनल के लिए आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, आपको यहाँ पे ठीक से कैप्चा एंटर कर देना है। ये तो मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म मेरा यहाँ पे ओपन होकर चला आया है। अगर आप कुछ यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे एंड में देखिए कीप एडिटिंग यहाँ एक ऑप्शन है, तो अभी वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ इसको फाइनल सबमिट दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आपको यस कर देना है, यस करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो मैं यहाँ पे PDF डाउनलोड कर रही हूँ, तो ये मेरा सबमिट हो चुका है गाइस। तो मैं यहाँ पे PDF आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, तो ये फाइनल मेरा फॉर्म भर के सबमिट हो चुका है यहाँ पे पोर्टल पर। तो इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है, प्रिंट आउट करने के बाद आपको जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के आगे यहाँ पे एक दिखाया है यहाँ पे रेफरेंस नंबर, इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। इसको आप चेक कैसे करेंगे, तो आपको फिर से वही पोर्टल पर चले आना है। पोर्टल पर आने के बाद अभी देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस पर क्लिक करके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे रेफरेंस आईडी यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको आप अपना स्टेटस वहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबमिट हो जाने के बाद आपको एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद आपको BLO का एक फोन आएगा, और BLO आपको बोलेंगे कि यहाँ पे चले आइए आपका हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो आपको वहाँ पे हार्ड कॉपी ले जाके सबमिट कर देना है, जेरेक्स वगैरह ले जाके, आधार कार्ड इलेक्ट्रिक बिल वगैरह रेसिडेंशियल वगैरह है तो और भी अच्छा है, ये सब को प्रूफ को ले जाकर जेरेक्स करके BLO को सब दे देना है। और 10 से 15 दिन या एक महीना कितना का, तो एक महीना भी लग जाता है, कितना का एक हफ्ता में भी रेडी हो जाता है। वहाँ पे आप स्टेटस चेक करते रहिएगा, BLO को दे देने के बाद आपका यहाँ पे स्टेटस अप्रूव दिखा देगा। इतना ही प्रोसेस है गाइस, और कुछ नहीं, आपका एड्रेस ट्रांसफर हो जाएगा इजीली, और भी कुछ झमेला नहीं है। तो गाइस मैंने आप लोगों को बहुत इजी तरीका से यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट यहाँ पे आईडी बनाने से लेके मैंने सबमिशन तक
स्टेटस चेक तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरे लिए, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई और परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।